कोरोना काल में अस्पतालों की लापरवाही हर रोज़ सामने आ रही है। एक और बड़ी लापरवाही मुंबई के बड़े अस्पताल में की गई है। मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में मृतक की लाश को ही घुमा दिया गया है। राजावाड़ी अस्पताल से लाश गायब हो गई है। 9 दिन से मृतक के परिवार वाले अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। पूरा मामला ये है कि गोमंडी के बैगनवाड़ी में चचेरे भाई ने 3 जून को मेराज शेख की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल के गेट पर ही मेराज शेख की मौत हो गई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल वालों ने शव को पोस्टमार्टम करने के लिए कब्जे में लिया और अगले दिन अस्पताल जाने पर यह सूचना दी गई कि मृतक कोरोना पॉजिटिव है। फिर उसके अगले दिन वापस से परिवार वालों को बुलाया गया और ये खबर दी गई कि शव गुम हो चुका है, गायब हो चुका है। सुनिए इस पूरे मामले में परिजनों का क्या कहना है। जब तक मेरे बच्चे की बॉडी नहीं मिलेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, चाहे मैं अपनी जान दे दूंगी मगर यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे की बॉडी चाहिए। हम लोगों के साथ दो दो धोखेबाजी हुई है। पहले तो मेरे देवर ने अपने बच्चों से और खुद मिलके सब चारों बच्चे और मेरे देवर ने मिलके मेरे बच्चे को मारे। मेरे भाई की बॉडी इन लोग ने घुमा दी है। ये हमको कल रात को बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी नहीं है, गुम हो गई। गुम होने का मतलब क्या? इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है, इसमें बोल रहे गायब हो गई है, मतलब क्या है? बॉडी क्या देंगे? हमको बॉडी चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।